हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक अगेन विद अ न्यू स्टोरी नोन एज चंबल गुटका। ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसके नाम काल्पनिक हैं। ये कहानी शुरू होती है जब 1963 में चंदन यादव आगरा आए और उनने गुटके की फैक्ट्री डाली, जिस गुटके का नाम उनने चंबल रखा। देखते ही देखते चंबल ने अपनी स्पीड पकड़ी और 10 साल में इनका गुटका इतना फेमस हो गया कि इनने 4-5 कारें खरीद ली और 2-3 फार्म हाउस खरीद ली। अब तो इनका व्यापार खूब तगड़ी तरीके से दौड़ रहा था। इनका लड़का भी जवान होने लग गया था। ये इसने 10वीं पास कर ली थी और ये 11वीं क्लास में था। पैसा बढ़ता है आदमी के पास तो बच्चों पे भी ध्यान उतना नहीं जाता है। पर यादव जी ने काफ़ी कोशिश करी। कोशिश वो करते थे तो लड़के से बहस हो जाती थी, लड़के से बहस हो जाती थी तो लड़का घर नहीं लौटता था। एक एक दो दो दिन कभी फार्म हाउस पे रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है। तो ऐसे करके चंदन जी ने बिल्कुल कुछ भी कहना ही बंद कर दिया। अपनी वाइफ से भी वो कहते थे थोड़ा ध्यान दिया कर, पर वाइफ से भी बहस हो जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों को अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे तीनों। चंदन जी अपनी गुटके की फैक्ट्री में बिजी रहते थे, वाइफ अपने ब्यूटी पार्लर, पार्टी इनसे फुर्सत नहीं थी, और लड़का अपनी पार्टी करने लग गया था। 11वीं क्लास पास होने का टाइम आ गया, साफ रिजल्ट निकला, ये फिर बढ़िया नंबरों से पास हुए। पर अब इनके लड़के में ऐबों की बौछार होने लग गई, जिसमें सबसे पहला इनको ऐब जो लगा था वो थी शराब। ये पीना स्टार्ट करते तो इतना पीते कि इनकी कार कभी कहीं ठोकी मिले, कभी कहीं ठोकी मिले, क्योंकि बहस तो ये अपने पिताजी से करते ही थे और हर चीज़ में अव्वल थे। पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, सब चीज़ों में ये अच्छे थे, पर इनका जो दिमाग था वो तभी चलता था जब दारू इनके पास हो। अब ये पूरे दिन नशे में रहते थे और घर में तो इनको आना ही नहीं होता था, कभी फार्म हाउस में रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं। पर ऐसे ज़िंदगी बढ़ती गई। जब 12th क्लास आ गई इनके लड़के की, तो चंदन के दिमाग में आया कि क्यों ना एक काम किया जाए कि इस लड़के को विदेश भेज दिया जाए, ताकि ये यहाँ पे ज़्यादा और ना बिगड़े। संगतें अच्छी नहीं थी उसकी, सब एक से एक रईस के लड़के थे, पर रईस के लड़के सभी शौक रखते थे, जिस शौक में ये भी लिप्त होते जा रहे थे। अभी दारू में इतने लिप्त थे, चंदन ने सोचा कहीं आगे चल के ड्रग्स मर्क्स में ना आ जाए, इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ये सोच के इनने कहा कि 12वीं पास हो जाए, इसके बाद इसे विदेशी सेटल कर देंगे। इतना उनके मन में सोचना था। 12th की फेयरवेल हुई, फेयरवेल पार्टी हुई, इनने क्या किया कि इनने फार्म हाउस पर भी पार्टी रख दी चंदन के लड़के ने। वहाँ पर इनने इनको चंदन के लड़के को एक टीचर से लगाव था ज़्यादा, इनने उस टीचर को भी वहाँ पे बुलाया साहब, और 4-5 लड़कों ने मिलके उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद उसका मर्डर भी हो गया। मर्डर इनने ही किया था, जबकि मर्डर कर दिया तो चंदन जो यादव थे उनने बड़ी सोर्सें लगाई लड़के के लिए, कि ये टीवी वगैरह पे भी न्यूज़ में भी चला कि भाई किसी तरीके से इनका नाम हट जाए। पर पैसा बहुत ताकत रखता है, पैसे ने सब कुछ कर दिया और इनका नाम 2-3 महीने के बाद बिल्कुल गायब हो गया हर जगह से, कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था उसके अंदर, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। चंदन यादव के लड़के बाइज्जत अपनी ज़िंदगी जीने लग गए। उसके बाद इनके पिता ने, चंदन यादव ने अपने लड़के को विदेश भेज दिया साहब, कि वो इस आगरा में रहे ही ना। साहब इनने विदेश में अपनी बाकी की पढ़ाई करी, बाकी की पढ़ाई करने के बाद इनने वहीं की लड़की से जो इंडियन थी उसी से ही शादी करी। वहाँ पे शादी करने के बाद इनकी जो चंदन यादव की वाइफ थी वो गुज़र गई। जब गुज़र गई तो ये यहाँ पे रहने आए।
जब ये रहने आए तो घर के अंदर इतनी भीड़ थी, तो क्या इनने सोचा कि क्यों ना उसी फार्म हाउस में जाके रहें जहाँ उस लड़की का रेप हुआ था। ये साहब गए और वहाँ पे स्टे किया इनने उस फार्म हाउस में, और यहाँ पे आ जाए करें सवेरे और रात में फिर से लौट के वहाँ सोएं। पता नहीं क्या हुआ चंदन यादव के लड़के को कि जब वो उस फार्म हाउस में रहता था तो वो अजीब सा व्यवहार करने लग गया, जैसे पागल करते हैं। वो अपनी वाइफ को रात में उठ के देखता और ध्यान से देखता, जब उसकी वाइफ की आँख खुलती तो उसकी वाइफ डर जाती, तो वो कहती कि मुझ में कि तुम क्या देख रहे हो, तो वो कहता कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वाइफ को पूरा किस्सा तो मालूम नहीं था कि इसने किसी लड़की का रेप किया है। पर ऐसा कुछ दिनों चला, जब आदमी की 13 ही होती है, इनकी माँ की 11वीं थी, 11वां दिन पूरा हुआ, अब जाने की बात आई, तो चंदन यादव का लड़का कहता है मैं नहीं जा रहा विदेश, अब तो हम इंडिया में ही रहेंगे। इतना लगाव तो था नहीं उसे इंडिया से, पर उसकी वाइफ भी सरप्राइज हो गई कि भाई ये कैसे कह रहा है कि वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है और बिजनेस भी अच्छा खासा है, पर ये इंडिया में ही रहना चाहता है, ऐसा क्या है। एक दिन चंदन यादव की लड़के की वाइफ बाहर गई हुई थी, जब वो लौट के आती है तो देखती है कि ये फालतू की हरकतें करने में लगा है, अपने में ही मुंह बना रहा है शीशे के सामने खड़ा होके, और उस शीशे में लिपस्टिक लगा रहा है। मतलब ऐसा व्यवहार तो कभी उसकी वाइफ ने देखा ही नहीं था, पर वो देख के थोड़ी सहम गई। उसने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम, तो कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब, तो इसकी वाइफ कहती है कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम, तो कहता है पागलों जैसी क्या हरकत कर रहा हूँ, लिपस्टिक लगा रहा हूँ मैं शीशे को देख के। तो उसकी वाइफ कहती है लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम आदमी हो और लिपस्टिक लगा रहे हो, तो ये कहता है तुमसे मतलब। इतना कहा वार्तालाप इन लोगों का वहीं पर ही ख़त्म हुआ। फिर रात हुई, चंदन यादव का लड़का आराम से सो गया है और वाइफ भी आराम से सो गई, चंदन यादव के लड़के की वाइफ। ये लोग सो रहे थे, आधी रात में उसने देखा कि उसकी वाइफ ने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर चंदन यादव का लड़के का चेहरा एकदम से, और वो घबरा के उठी कि भाई तुम मुझे ऐसे रात में क्यों देखते हो हैं। फिर चंदन यादव का लड़का ने कुछ नहीं कहा, फिर से सो गया। दूसरे दिन उसने ये बात अपने ससुर से करी, चंदन यादव से, कि ये ऐसे ऐसे करते हैं रात में, और जब मैं कहती हूँ कि यहाँ से वापस विदेश चलो तो चलते नहीं है। चंदन यादव के यादव जी को शक हुआ, उनने कहा कहीं मेरे लड़के पे वो भूतनी तो नहीं आ गई, ये इस फार्म हाउस में क्यों रहता है, मैं दूसरे फार्म हाउस में कहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर जाके रहो। ये बात चंदन यादव ने अपने लड़के को कही, लड़का जाने को ही तैयार नहीं हुआ, उसी फार्म हाउस में रहूँगा मैं तो पापा, उसमें दूसरे में जाऊँगा ही नहीं। ठीक है भाई, बात और आगे चलती रही, कुछ दिन और बीते तो ये तो और ज़्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लग गया, कहीं रात में भागने लग गया, बिल्कुल एकदम से पागल जैसे होते हैं वो व्यवहार इसका होने लग गया। फिर एक दिन रात में चंदन यादव का लड़का एक सड़क पे चलता हुआ मिला लोगों को, वो लोग उसे घर पे छोड़ के फार्म हाउस छोड़ने आए और ये खबर इनने चंदन यादव को दी। चंदन यादव को जब ये खबर मिली तो उसने किसी तांत्रिक से बात करी कि इसका भूत उतार दिया जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पे वही लड़की आ गई है, जो कुछ भी इसने बात करी तांत्रिक से। तांत्रिक आए साहब, जैसे ही तांत्रिक आए तो चंदन यादव के लड़के की आवाज़ बदल गई और वही औरत की आवाज़ आने लग गई इसके मुंह से। वो कहने लग गई कि मेरे परिवार को पैसा भेजो, ताकि मेरे परिवार वाले जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, और उनको पैसा भेज दो तो बात ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो मैं इसे ले जाऊँगी। इतना कहना था, ये बात तांत्रिक ने
चंदन यादव को बताई। चंदन यादव महाकंजूस आदमी थे, इनका बेटा उससे भी कंजूस था। इनने कहा ये सब बातें हम नहीं मानेंगे। पहले तो तांत्रिक क्रियाओं पे इनने विश्वास किया, उसके बाद जब पैसे की बारी आई तो चंदन यादव मुकर गए। उनने कहा हम नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे पैसे। इतना कहा तांत्रिक ने, कहा कि आपकी मर्जी, आप दो या ना दो, जो उपचार जो उसने कहा वो मैंने आपको बता दिया। 15 दिन और बीते, इनका जो लड़का था चंदन यादव का, दूसरे कमरे में उसने फांसी लगा ली और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। अब तो चंदन यादव इस दुनिया में ही अकेले रह गए, इनका गुटखे का व्यापार भी और बिल्कुल ख़त्म के बराबर हो गया, गुटखा बिल्कुल ख़त्म। जो बहू थी वो वापस विदेश लौट गई, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। पर चंदन यादव ने केवल जरा से पैसों के चक्कर में अपने लड़के की जान गंवा दी। और कुछ दिन बाद इनने भी उसी फार्म हाउस में फांसी लगा के खुद की जान ले ली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरी कहानी सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।